जिस तरीके का धोखा अमेरिका से मिला आसियान देशों को, ऐसी न तो अपेक्षा थी और न ही दुनिया में कोई अंदाजा कर सकता है कि ऐसे समय में भी जब चीन से क्लास लगी पड़ी है अमेरिका की, तब भी शर्तें रख सकता है अमेरिका। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के सामने जहां एक तरफ नाटो है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पीछे से चीन ने भी हमले शुरू कर दिए है। जानेंगे क्या है मामला और सबसे भारत कैसे प्रभावित हो रहा है, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में आसियान देशों की एक बैठक हुई थी जो बहुत ही चर्चा में आई थी, क्योंकि इस आसियान देशों की बैठक में चीन को घेरने का पूरा प्रोग्राम बना रहे थे बाइडेन। ये बैठक भी इस तरीके से हुई थी कि इस पे खास तौर पर बैनर पे लिखा गया था कि ये स्पेशल बैठक है। स्पेशल बैठक के नाम पर आसियान देश पहुंचे थे अमेरिका के पास, ये उम्मीद लगाकर कि यहाँ कुछ बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अमेरिका ने ऑफर भी दिया कि यहाँ वो कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऑफर अमेरिका ने नहीं दिया, जिस तरीके से चीन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कहता है। लेकिन चीन और अमेरिका में अंतर इतना है कि चीन के दिए हुए पैसे बस एक जाल में फंसाने का काम करते हैं। पर हाँ, इस मीटिंग में वियतनाम पहुंचा था और वियतनाम आसियान देशों का वो देश है जिस पर अमेरिका का टारगेट काफी पहले से है। भारत और वियतनाम ये दो देश हैं जिसको निशाने पर रखता है अमेरिका, और अमेरिका की बहुत बड़ी चाहत है इसके एक बहुत बड़े मार्केट पर कब्जा कर, चाहे वो भारत हो या फिर वियतनाम ही क्यों ना हो। और वो सेक्टर कोई और नहीं बल्कि डिफेंस का सेक्टर है। क्यों? क्योंकि वियतनाम और भारत दोनों एक कॉमन खरीदार से खरीदते हैं हथियारों को। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कॉमन विक्रेता कौन है। वो कॉमन विक्रेता है रूस। रूस से दोनों ही देश हथियार को खरीदते हैं। और यहाँ पर बातों ही बातों में बाइडेन ने अपने धंधे का पिटारा यहाँ खोल दिया, यानी रूस यूक्रेन में जो हथियारों की बिक्री करके कमाई कर रहा है अमेरिका और अमेरिकी कंपनियां, उसी का पिटारा यहाँ पे खोल दिया बाइडेन ने। बाइडेन ने ये कह दिया कि आप लोग अमेरिका से हथियार खरीदो, रूस से हथियार मत खरीदो और अपने आप को मजबूत करो चीन के खिलाफ। यानी आसियान देशों को ऐसा लगने लगा जैसे कि ये मुलाकात ऐसी है जिसमें अमेरिका सिर्फ अपने हथियारों को बेचना चाहता है। अब एक अंदेशा ये भी होने लगा है कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन जंग का फायदा उठाकर हथियार निर्माता कंपनियां दिन प्रतिदिन चांदी काट रही हैं, वैसा ही कुछ दक्षिण चीन सागर में या एशिया में भी खड़ा करने की कोशिश में है अमेरिका। पर सवाल उठता है कि जिस तरीके से यूक्रेन इस चीज को हवा दे रहा है और ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा है बल्कि और लंबा खींचता जा रहा है, वैसा ही हाल कुछ चीन का भी है। चीन भी अपने पड़ोसियों से लगातार उलझता रहता है, दूसरे की जमीनों पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। ऐसे में यहाँ के देश भी मजबूर हो गए हैं हथियारों को खरीदने के लिए। हाँ, कुछ देश हैं जो जा रहे हैं आत्मनिर्भर के क्षेत्र में, लेकिन हर देश नहीं है। पर इन सब में आपको बता दें, अमेरिका को उसका जवाब भी मिलने लगा है। अमेरिका ने देखा कि किस तरीके से वियतनाम और फिलीपींस रूस को छोड़कर अमेरिका की तरफ नहीं, बल्कि इस वक्त तो अपने छोटे मोटे और बड़े हथियारों के लिए भी भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, और ये चीज अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अमेरिका हर हाल में चाहता है कि हथियार दुनिया के देश उसी से खरीदे। बात भी यही है कि इस वक्त जो डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट्स हमेशा से अपने हथियारों की बिक्री पर जोर देते हैं। ऐसे में जब भी आप देखेंगे डेमोक्रेट्स सत्ता पे आते हैं, अमेरिका का इतिहास रहा है, तब तब युद्ध होता है और तब तब इनके हथियारों की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि इन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ा बवाल मचा है, और ये बवाल किसी और ने नहीं बल्कि चीन ने मचाया है। रूस यूक्रेन जंग में हालात अभी जो कुछ भी हो, अब कौन जीत रहा है ये इस वक्त कहना बेहद मुश्किल है। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि रूस ने एक बड़े हिस्से पर अपना दावा कायम रखा हुआ है यूक्रेन के। तो ये भी सच्चाई आ रही है कि रूसी सेना के कुछ हथियार हुए हैं तबाह, और कहीं ना कहीं ये युद्ध बहुत लंबा खिंच गया जितना दुनिया ने नहीं सोचा था। युद्ध की जिस तरीके से सामरिक ताकत
बात है, ऐसे में इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। पर ये युद्ध अकेला रूस और यूक्रेन के बीच नहीं चल रहा है, इसलिए ये युद्ध लंबा खींच रहा है। एक तरफ रूस जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पूरा का पूरा नाटो है, जो हथियारों से लेकर सैटेलाइट से लेकर सूचनाओं तक का मदद पहुंचा रहा है यूक्रेन, इसलिए ये युद्ध लंबा खींच रहा है। पर अब रूस ने भी अपने बड़े और छिपे हुए हथियारों को निकालना शुरू कर दिया है। पर इन सब के बीच रूस ने कभी नहीं सोचा होगा चीन ऐसी हरकत करेगा जो चीन रूस को अपना भाई बताता था, और पुतिन भी बहुत ज्यादा जिनपिंग पे भरोसा करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि चीन हमला करना शुरू कर देगा, वो भी पीछे से हमला करना शुरू कर देगा। सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि रूस की ओर जाती हुई मदद को भी बंद करना शुरू कर देगा। आपको बता दें, सबसे पहली बात तो चीन ने ये की है कि उसने सप्लाई को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि रूस को जाने वाली चीनी सप्लाई, जिसमें से बहुत सारे मटेरियल हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, कुछ और भी आइटम हैं, उसको हाफ कट कर दिया है, आधा कर दिया है चीन ने। और आधा करने का मतलब है रूस, जिसे पहले ही बहुत ज्यादा कमी हो रही है, उसके देश में और भी कमी होना। ऐसे में स्मार्टफोन भी शामिल है और लैपटॉप वगैरह भी शामिल है। पर ये तो छोटी मोटी बात थी, फिर भी रूस इसे बर्दाश्त कर जाता। पर अब जो निकल कर आ रही है खबर, वो खबर ये बता रही है कि चाइनीज हैकर अब रूस के डिफेंस क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और कई ऐसे मौके पर देखा गया है जब चाइनीज हैकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रूसी डेटा को चुराया जाए। और ये एक पूरा तंत्र है जिसमें कि लगातार अपने दोस्त रूस की डेटा को चुराने की कोशिश किए जा रहा है चीन। चीन के ऊपर ये आरोप तो पहले लगते आए हैं, अमेरिका के लिए, भारत के लिए, ताइवान के लिए ऐसी कोशिश करने का, लेकिन रूस के साथ ऐसी कोशिश करेगा चीन, ये रूस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, खास करके पुतिन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। पर हाँ, ये जरूर है जो हमले किए जा रहे हैं काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्टिक्स के साथ, बहुत ही संवेदनशील स्थानों पर डेटा को चुराने की कोशिश की जा रही है, ताकि पूरा और सही डिटेल चीन को मिले। वैसे आपको बता दें, बहुत सारे चीनी हथियार हैं जो रूसी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, चाहे चुराए गए हों चाहे लिए गए हों। ऐसे में चीन को ऐसा लग रहा है कि कहीं उसके हथियार भी धोखा तो नहीं देंगे, या फिर कौन से हथियार मजबूत हैं या कौन से नहीं। इसके अलावे युद्ध की सही डेटा कम से कम निकल के चीन के पास आ जाएगी, जो फ्यूचर में चीन को मदद दे। वैसे कहीं ना कहीं रूस के साथ भी चीन की पुरानी दुश्मनी है व्लादिवोस्तोक की, इसलिए ये दोस्ती तो वैसे भी नहीं चलनी। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।